हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिट्टू अख्तर और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू जीत। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कूलपैड नोट 5 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक आईफोन के लॉन्चर की तरह। सो ये बहुत ही एक इजी वे है, जो कि आपको थीम में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ये प्ले स्टोर से अवेलेबल मिल जाएगा ये लॉन्चर, और आप वहाँ जाके कर सकते हैं डाउनलोड इसको। तो आईफोन लॉन्चर ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा एक प्ले स्टोर में, जो कि सभी के मोबाइल में दिया जाता है ये प्ले स्टोर। और चलिए यहाँ पे इंस्टॉलेट का एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई लॉन्चर HD प्लस i10 OS थीम, मतलब ये आपको जल्दी प्ले स्टोर में मिलेगा नहीं, आपको फुल नेम लिखना पड़ेगा तभी ये लॉन्चर शो करेगा। बहुत ही अच्छा लगता है, प्रीटी लॉन्चर है। और चलिए इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देता है। सो जो कि आपको आइकॉन पाइक मिलता है इसका, वो बिल्कुल एक रेडमी नोट 4 की तरह दिया गया है। जो आइकॉन पैक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर का जो आइकॉन पैक है वो बहुत अच्छा दिया गया है। और जो यहाँ पे एनिमेशन स्पीड है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये फुल्ली आईफोन एनिमेशन की तरह दिया गया है। सो चलिए यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आ जाता हूँ। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप होम में आ जाइए। सो होम में आने के बाद आपको यहाँ से मैं डायरेक्टली सेट कर लेता हूँ, और कुछ यहाँ पे आपको कुछ इसका सेटिंग्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक आइकॉन बूस्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप बूस्ट कर सकते हैं, बट ये बहुत फेक चीज़ है, इसको बूस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस, यहाँ से आप कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हिडन ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, सी वॉलपेपर जो आपके साथ में जो आपके फ़ोन में दिया जाता है वॉलपेपर्स, वो सब वॉलपेपर यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं अच्छे वॉलपेपर्स सेलेक्ट करके आऊँ, और चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा इफ़ेक्ट दे पाता है। इफ़ेक्ट जो है बिल्कुल सही दे रहा है, एनिमेशन भी बहुत सही है यहाँ पे। और नीचे की तरफ आपको कॉलम्स वे मिल जाता है, आइकॉन साइज़ मिल जाता है, जो कि मीडियम लार्ज ज़्यादा नहीं रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा लार्ज करने से यहाँ पे थोड़ा एप्लीकेशन जो है लार्ज हो गया, पर देखने से बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे एक मीडिया का, यहाँ पे शॉपिंग का अलग से आपको एक फ़ोल्डर मिल जाता है, मीडिया का अलग से फोल्डर मिल जाता है, एंड सोशल मीडिया का भी अलग से फोल्डर मिल जाता है। सो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स, आपको फोल्डर्स रखना है तो नहीं रखना है तो आप यहाँ से करके हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया एक थ्री डी टच। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कोई भी एप्लीकेशन के डोंगल पे, तो यहाँ पे आपको एक 3D टच मिल जाता है, जो कि दिखने से बिल्कुल 3D लगता है। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, एंड ऐप डिटेल्स के बारे में भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाता है। जो मुझे इसका एनिमेशन है वो बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको देख ही के लगता हूँ यहाँ एनिमेशन कैसा है इसका। प्ले स्टोर खोलता हूँ तो एक आईफोन लुक देता है। और यहाँ पे जैसे कि फ़ोन को मैं अनलॉक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है अनलॉक होने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सेटिंग्स एंड कॉन्टैक्ट क्रोम्स एंड ये कॉन्टैक्ट क्रोम बिल्कुल एक अच्छी तरीके से आईफोन का लुक दे पाता है ये। और एनिमेशन जो स्पीड है वो आपको थोड़ा यहाँ पे स्लो मिलता है, बट देखने में बहुत अच्छा लगता है। एनिमेशन स्पीड आपको फास्ट भी कर सकते हैं, बट ये एनिमेशन स्पीड अच्छा लगता है। रिसेंटली आप यहाँ पे यूज्ड मिल जाता है, जो कि हमने अभी रिसेंट में यूज्ड किया। यहाँ से एप्लीकेशन, अगर आपके मोबाइल पे थोड़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आपको नहीं मिल रही है, सो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं वॉइस सर्च एंड क्रोम, ये सब भी बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैलेंडर में खोलता हूँ तो यहाँ पे एनिमेशन स्पीड है वो बहुत अच्छा देता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही। आशा रखता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, आशा रखता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको।